कर्नाटक में दूध और दही बेचने की अमूल की घोषणा से सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी केएमएफ के नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, तो वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अमूल ब्रांड के बारे में चिंतित होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, हम ब्रांड नंदिनी को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कदम उठाएंगे, नंदिनी देश में नंबर एक ब्रांड बन जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने अमूल दूध और अन्य उत्पादों की बिक्री के खिलाफ राज्य में एक अभियान शुरू किया है। सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट अमूल और नंदिनी को बचाओ ट्रेंड कर रहा है। विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने आरोप लगाया कि मोदी और शाह अब नंदिनी ब्रांड को बंद करने के लिए तैयार हैं, जो कर्नाटक के किसानों की जीवन रेखा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य पर अमूल ब्रांड थोपा जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य गुजरात की प्रगति और कर्नाटक ब्रांड को खत्म करना है। कांग्रेस की इस मुहिम को जेडीएस का भी साथ मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने लोगों से राज्य में अमूल दूध बेचने के कदम का विरोध करने का आह्वान किया है। अमूल बनाम नंदिनी की जंग तब से तेज हो गई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर में कर्नाटक के दौरे पर दोनों संगठनों के बीच सहयोग की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमूल और नंदिनी कर्नाटक के हर गांव में प्राथमिक डेयरी स्थापित करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे और अगले 3 सालों में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राथमिक डेयरी स्थापित नहीं की गई हो। हालांकि ये मामला अब चुनावी जंग का हिस्सा बन गया है। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को मतदान है। चुनाव का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया जाएगा। चुनाव आज तक।